इधर ओवर देयर। हाँ ये वो दौर सारा दिखाया हुआ ना, जब ये इस एरिया के दरख्त लगाए गए थे। हाँ वो इस गली में। Look at those ducks. हाँ बिल्कुल, वो सेरेमोनियल ट्रीज उन्हें कह रहे हैं। हाँ अभी ठीक हो गया मौसम, काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी वैसे खुशगवार किस्म की जगह। हम पहले इसी हिल के ऊपर से ड्राइव करके गए थे, तो मैं यही कह रही थी कितनी प्यारी जगह है। नहीं तो वो उसका घर क्या है? वो एंड पे जो लास्ट है ना। हाँ, तो उधर तो नहीं जाएंगे। घर के बाहर तक आप जा सकते हैं, अंदर नहीं एंटर हो सकते ना आप। कौन सा वाला? हाँ गार्डन सही लग रहा है ना, छोटा सा। हाँ ये वाला था ना मुजस्मा, इसके पास ही वो सदर यूब ने जो दरख्त लगाया ना, सिंबल्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट पीपल्स। ये यहाँ पे ना उससे तीसरा दरख्त था इस तरफ ना, तीसरा दरख्त था जो बड़ा सा था ना। अच्छा ये हैकबेरी है ना, इसी तरह का दरख्त ही होगा हैकबेरी का ही। वहां से मैंने काउंट किया था, थर्ड पिन थी। आ जाओ देखें, ये वाला तो नहीं है, ये हुआ अवेज। ये देखो ये दरख्त पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने लगाया था 1962 में, हैकबेरी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, इसको ऊपर देखो कितना बड़ा ये दरख्त हो गया। हैकबेरी के दरख्त है। वो उसने मेरे आगे पेपर रखा ना, जिस पे लोगों ने के नाम लिखे होते, जिन प्रेसिडेंट्स ने यहाँ लगाए, तो सबसे पहले मेरी नज़र ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पे पड़ी, क्योंकि वो बंदा जहाँ से बिलोंग करता हो फौरन नज़र वहीं पे जाती है। तो मैंने आगे से उसका पिन नंबर देख लिया और लोकेशन देख ली ना, ये पिन नंबर 23 था मैप में, और इसकी लोकेशन इस स्टैचू के बिल्कुल पास थी। चलो जी, काफी ऊंचा दरख्त हो गया। आ जाओ आगे चलते हैं, देख के आते हैं रीडू हाल को, हाथ लगा के आते हैं वापस। इसके नीचे डेट लिखी हुई शायद 1993 की, क्या ये भी सारे लगा के गया होते हैं। हाँ ये भी डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने, ये जैसे
रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे की प्रेसिडेंट ने लगाया हुआ ये वाला। नहीं अयूब सदर अयूब नहीं था, वो तो फील्ड मार्शल था ना, उसको क्योंकि गवर्नर जनरल मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कायदे आजम के ज़माने में ही थे। कायदे आजम को जैसे कहते हैं वो पहले गवर्नर जनरल थे, उनके बाद फिर अब कोई नहीं। हाँ लेकिन गवर्नर जनरल आदमी नहीं कि आर्मी का ही हो। ये देखो ये वाला ट्री कितना बड़ा है, वो वाला कितनी उसकी शाखें हैं, ये छोटे छोटे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई गवर्नर जनरल होता, क्योंकि गवर्नर जनरल जो होता है ना वो उस कंट्री में क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता। पाकिस्तान में अब हम यूके की क्वीन को तो नहीं मानते ना, कनाडा में लेकिन माना जाता ना, अभी भी उसकी रिप्रेजेंटेशन चलती है, इसलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल का घर है। हैकबेरी के काफी ज्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, हैकबेरी ये जो सदर अयूब ने लगाया था ना जो दरख्त, इसका नाम हैकबेरी है। हाँ ये है, इसको रिडू हॉल कहते हैं। ये गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा का घर है, अंदर नहीं लेकिन आप डोर तक जा सकते हैं। इनडोर उन्होंने बंद किया हुआ है ना आजकल कोविड की वजह से। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ना उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना कनाडा में उसको गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा कहते हैं। That's a really big house. Yep, that is. हाँ जी सिक्योरिटी वाले 24 घंटे यहाँ पे पहरा देते हैं। वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ कि उस पॉइंट से आगे आप बैक साइड पे नहीं जा सकते ना, लेकिन इस एरिया में आप आ सकते हैं। आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट इट इज। It's pretty nice place. It's like a castle. Yeah, it's like a castle. जूली पायट वो तो खत्म हो गई ना अब। जूली पायट तो नहीं है ना अब गवर्नर, आजकल कौन है गवर्नर जनरल? आ जाओ दरवाजे के पास चलें। ये इसकी इंफॉर्मेशन है 1838 में। या It was built in 1838 for Thomas McKay Rideau Hall. This is very old. Yep, it is super old. अच्छा ये बना नहीं था गवर्नर जनरल के लिए, ये बना है थॉमस मैके के लिए था, बाद में इन्होंने लीज किया था गवर्नर जनरल के लिए। और उसके बाद वो कभी भी इन्होंने न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, और इसी बिल्डिंग को जो था उन्होंने इवेंचुअली रख लिया था। हाँ जी उस तरफ उन्होंने लिखा हुआ ना नो पब्लिक एक्सेस पास दिस पॉइंट, वो सामने बैठा होता ना वहीं पे।
What is this? The Queen's entrance. सही है ये, पता नहीं क्या इन्होंने दरमियान में बनाया है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है इस एरिया में। दरख्त देखो जरा कितने कितने बड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ये सामने इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि रात के वक्त कोई इस जगह को इल्यूमिनेट करते होंगे, बल्कि ये प्रोजेक्शन वाली लाइट्स लग रही हैं। हो सकता है इस पे डिफरेंट इमेजेस भी प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरफ से जाते हैं, इधर बैक से भी रास्ता है। आ जाओ, खूबसूरत है वैसे ना, बहुत प्यारा। वो ऊपर भी ये ना, इसके अंदर फाउंटेन है। वैसे ये कितनी खूबसूरत जगह है, ऐसे लश ग्रीन इसका ग्रास है और इतने इतने खूबसूरत और बड़े दरख्त हैं यहाँ पे। जब तक वो वाइड एंगल लेंस ना यूज़ करें तब तक दरख्त ही पूरा नहीं आता बीच में। चलो जी अब वापस चलें। वेरी नाइस, काश कि ये ओपन होता और हम अंदर से भी देख सकते। कोविड की वजह से आजकल बंद है। फॉल के कलर्स आना शुरू हो गए हैं दरख्तों में। दरख्त बड़े प्यारे लग रहे हैं। हमारे जाने के वेट कर रही थी ताकि हम ब्रैम्पटन से निकलें तो फॉल है। इस दरख्त के अंदर देखो रेड कलर के आ रहे हैं पत्ते। ये जो सामने वो बैक पे जो वो ऊपर। Look in the picture. Yeah, I did.